नेवी में जाने के सपना कई युवा देखते हैं, सभी इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 8 तरीकों को बताएंगे जिनके द्वारा आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो उन युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से एस्पिरेंट्स इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, आप इन फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इन फॉर्म में 10th पास के लिए अलग फॉर्म है, 12th पास वालों के लिए अलग है एंड ग्रेजुएशन पास वालों के लिए अलग फॉर्म है। हमने बात कर ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपकी हाइट 157.5 होनी चाहिए, आपको वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए और आप मेडिकली फिट होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इन 8 तरीकों को जिनके द्वारा आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तरीके से। पहली एंट्री है अग्निवीर एंट्री। अग्निवीर एंट्री में आपकी दो स्कीमें हैं, अग्निवीर MR, अग्निवीर SSR। अग्निवीर MR में आप 10th पास है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अग्निवीर SSR में आप 12th पास है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये साल में 2 बार इसकी रिक्रूटमेंट होती है। और दूसरी स्कीम है NDA। NDA मीन्स नेशनल डिफेंस अकेडमी। इसके थ्रू आप एज अ ऑफिसर इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। हमारी तीसरी एंट्री है 10+2 BTech एंट्री। इसमें आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है। आप PCM बैकग्राउंड से होना चाहिए विद द 70% एंड JEE मेन का रैंक होना चाहिए। हमारी चौथी स्कीम है CDS। CDS के थ्रू आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना बहुत ज़रूरी है। आप CDS से INA यानी इंडियन नेवल एकेडमी पे एडमिशन के साथ इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पांचवी स्कीम है NCC एंट्री। NCC एंट्री में आप अगर NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप NCC एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सिक्स एंट्री है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मीन्स आप ग्रेजुएशन लेवल पे डायरेक्ट एंट्री के रिक्रूटमेंट पे आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के थ्रू आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ म्यूजिशियन इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी सातवीं एंट्री है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में आप 10+ ITI के साथ आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लास्ट एंड आखिरी एंट्री है ग्रुप सी एंट्री। ग्रुप सी में आप 10+2 या 10th पास भी हैं तो आप ग्रुप सी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए। ये थे 8 तरीके इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट कीजिए, लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।